और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। केजरीवाल दोपहर 2:30 बजे अमित शाह से मिलने जाएंगे। तो बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि आज अमित शाह के साथ मुलाकात होगी अरविंद केजरीवाल की। दोपहर 2:30 बजे ये दोनों नेता मुलाकात करेंगे। हालांकि इस मुलाकात का एजेंडा क्या है ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये मीटिंग अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री से मिलने जा रहे हैं। बात करते हैं संवाददाता भास्कर मिश्रा से। भास्कर, पहली मुलाकात उनकी अमित शाह के साथ होने जा रही है, एजेंडे में दिल्ली के कौन कौन से मुद्दे रह सकते हैं? देखिए, अमित चुनाव के तमाम त्यौहार को दूर करते हुए दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने जा रहे हैं गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री अमित शाह से। दोपहर 2:30 बजे मुलाकात होगी इनकी अमित शाह के दफ्तर में। और ये कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार भेंट है, शपथ ग्रहण के बाद पहली मुलाकात है अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के बीच में। जहां तक बात करें कि इस मीटिंग में क्या होगा, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उसका सारा काम गृह मंत्रालय के थ्रू ही होता है, और ऐसे में गृह मंत्री से मिलना बहुत ही अहम माना जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है सीएम दफ्तर के द्वारा ये कर्सी विजिट है, शिष्टाचार भेंट है, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन ये देखते हुए कि दिल्ली सरकार की जो भी सीमाएं हैं, जो भी अधिकार क्षेत्र है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है, होम मिनिस्ट्री के जरिए ही सारा काम होता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार में कोई भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो गृह मंत्री होते हैं दिल्ली के लिए, और इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा सकती है आगे के लिए, क्योंकि आगे दोनों ही सरकारों को, यानी दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ ही मिलकर काम करना होगा। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। और जब वो शपथ ले रहे थे उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि जो बातें चुनाव के दौरान कही गई थी अलग अलग नेताओं के द्वारा, उसको भुला चुके हैं क्योंकि आगे अब उन्हें केंद्र सरकार के साथ ही मिलकर काम करना है।